राधा कृष्णा जय जिनेसा। मैं सरस्वती शिपा हेल्दी शाही खाना सही उपास फला और सभी चैनल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए बनाते साबुदाना का बड़ा। इसके लिए मैंने साबुदाना 2 से 3 घंटा फिर हो गया साबुदाना, इस तरह से फिर गया साबुदाना। 1.5 कटोरी साबुदाना है, आधी कटोरी फल्ली दाना को क्रश कर लिया इस तरह से। बॉयल आलू, धनिया, मिर्ची, तो फिर चलिए बनाते हैं। सेंधा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे साबुदाना में। बॉयल आलू पहले मैंने बॉयल आलू कर दिए थे, साबुदाना में डालेंगे। तीन से चार बॉयल आलू लिए मैंने, 1.5 कटोरी साबुदाना में आलू डालकर साबुदाना मिला लीजिए। दाना डालकर मिला लीजिए। डालिए धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, सब चीज़ों को डालकर मिला लीजिए। डालिए नमक डालकर मिला लीजिए। चलिए बनाते हैं इसकी टिक्की। इस तरह से टिक्की बनाइए सारी। इस तरह से इसी तरह सारी टिक्की बना लीजिए। चलिए इसे तलते हैं। तेल गर्म हो गया, डालिए एक एक करके। कट कर लीजिए। जब भी साबुदाना टिक्की बनाए तो जरा सा आधी कटोरी 1.5 कटोरी के अंदर में आधी कटोरी फल्ली दाना क्रश करके डालिए। बहुत स्वादिष्ट बनती है साबुदाना टिक्की। इसे सुनहरा होने तक तलें। फल्ली डालने से फटते नहीं साबुदाने, कुरकुरे क्रिस्पी कुरकुरे बनते हैं। ये देखिए इसे आप निकाल लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने। इसी तरह बाकी के भी डाल देते हैं। और ये देखिए साबुदाना के पड़े बनाइए इसी तरह से।